दोस्तों मिर्गी एपिलेप्सी, इसमें अचानक दौरा आता है और मरीज ज़मीन पर गिरकर दोस्तों बेहोश हो जाता है और मरीज़ के मुंह से जाग आने लगती है और मरीज़ की जो दोस्तों ज़बान होती है वो दांतों के बीच आकर कट जाती है और इसके पेशेंट का गैर इरादी तौर पर दोस्तों पखाना खारिज हो जाता है और इससे मरीज़ की हालत बद से दोस्तों बदतर होती चली जाती है। आज हम इसकी 5 इलामात पर बात करने वाले हैं और साथ में एंड पर दोस्तों मैं इसकी मेडिसिन भी रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों 5 इलामात। नंबर 1 दोस्तों एपिलेप्सी, मिर्गी का जो मरीज़ होता है वो हर टाइम घूरता रहता है। नंबर 2 इसका पेशेंट दोस्तों नफसियाती हो जाता है और इसको आर्जी उलझन रहती है दोस्तों, हाथों में और पाँव में इसको झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों जिस मेडिसिन पर अभी मैं बात करने वाला हूँ, अगर तो आप फीमेल हैं और आपको अगर मेनिसिस भी हैं तो आप ये मेडिसिन उनमें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों जिस्म में जो झटके लगते हैं इसकी बड़ी वजह जिस्म में यूरिया और क्रिएटिनिन का बढ़ जाना है और दोस्तों इसकी जो टॉप मेडिसिन है एनेंथेक्रोकाटम, दोस्तों ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी और इसकी जो डोजेज है दोस्तों, आपने इस मेडिसिन के 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर को और 5 कतरे आपने दोस्तों शाम को इस्तेमाल करने हैं और ये मेडिसिन जिस पावर में आपने इस्तेमाल करनी है दोस्तों 30 पावर, एनेंथेक्रोकाटा 30 पावर में दोस्तों आपने इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।